हे गाइस, गरिमा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गरिमा। तो कैसे आप सब, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मीशो की शॉपिंग, जो मैंने मीशो से कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी। सो आई थॉट कि उनको आपके साथ शेयर किया जाए। तो उसमें ना मैंने काफ़ी सारी मिक्स चीज़ें हैं, कुछ कपड़े भी हैं, कुछ बेल्ट हैं, कुछ ज्वेलरी बॉक्स हैं, तो वो सब मैं आपके साथ रिवील करने वाली हूँ। तो एक मिक्स हॉल है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ बेल्ट जो मैंने मीशो से बाय की हैं, ठीक है। वो है कुछ इस तरीके से। ओ निकल भाई फसल, ठीक है। चलो बेल्ट देख लेते हैं फटाफट से कि कैसी आई है। ये देखो, ये बेल्ट है फर्स्ट, ये कुछ इस तरीके से आई है। आई लव द क्वालिटी, क्वालिटी भाई इतनी अच्छी है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही हैवी है एंड काफ़ी सॉलिड क्वालिटी। और मुझे सच बताऊँ ना, देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखो आप, काफ़ी इम्प्रेसिव बेल्ट लग रही है, सस्ती नहीं लग रही है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप ये देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ ना, इसमें ये जो बीच में जो ये लगा हुआ है ना, इसका ये जो फ्लावर लगा हुआ है, इन्होंने जो लगाया है, वो बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। और ये साइड वाली डिज़ाइन भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना रही है। इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और ऐसे यहाँ से बंद हो जाएगी। अच्छा, अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की साइज़ की। मैं आपको बता दूं, आपका जो भी साइज़ है उसे डबल ट्रिपल बड़ा लेना, वरना आपको बेल्ट फिट नहीं आएगी। अब एग्जांपल आप मेरा ले लीजिए, मैंने अपने लिए बेल्ट मंगाई थी, पर मुझे लग रहा है ये मेरे को भी टाइट है, साइज़ का बहुत इशू है। एंड यू कॉन्ट बिलीव कि कितना साइज़ मंगाया था मैंने, 50 ऑर्डर किया था, 50 साइज़ जैसे उसमें आते हैं ना, उसमें मैंने 50 ऑर्डर किया था, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा था कि लोग करेक्ट साइज़ नहीं भेजेंगे। और बिल्कुल सही हुआ, ये मेरी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरे, उन्होंने करेक्ट साइज़ बिल्कुल नहीं भेजा। तो मीशो पर जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, आधी से ज़्यादा तो उसमें से फ्रॉड आती है। तो बहुत सारे लोग बहुत मीशो की तारीफ़ करते हैं ना, समटाइम्स अच्छी चीज़ें आती हैं नो डाउट, बट मैक्सिमम टाइम ना हमेशा लॉल हो जाता है। चलो बहुत बातें हुई इसके रिगार्डिंग, पर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट है ये वाली बेल्ट, इमेज में ऐसी लग रही थी, एक नंबर लग रहा था कि बहुत सुंदर है। देखो इसका साइज़, ये कितनी छोटू सी है, ढंग से स्ट्रेच तक नहीं हो रही है, और ये बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसका साइज़ भी मैंने इतना बड़ा मंगाया था, मुझे लग रहा है सिर्फ मीडियम साइज़ वाले को ही फिट आएगी, जिनका एम साइज़ है ना, ये सिर्फ उनको आएगी, एल वालों को भी नहीं आएगी। तो साइज़ का कितना कर रहा इशू आप देख सकते हैं। मंगाओ कुछ और आ रहा है कुछ, बाकी अपने आप देख लेना यार, मैं तो ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट ये वाली बेल्ट, बस बाय गॉड एक यही बेल्ट है जो उन्होंने फिट भेजी है, मतलब सही साइज़ की भेजी है, देख सकते हैं आप। बट आई रियली लाइक द बेल्ट गाइज। अगर आप कोई लहंगा पहन रहे हैं, कोई इंडियन वेयर पहन रहे हैं जिसमें आपको कुछ वाइट चाहिए, तो गो फॉर इट, मस्ट 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 बाय। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि गलती से दो क्वांटिटी मैंने मंगा ली थी और दोनों ही बेल्ट आ गई मेरे पास, बट मैं दोनों ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सिंपल सा ये इसका लॉक है, देखा होगा आपने, इस तरीके से लॉक है, इसमें अटैच कर देना है। साइज़ वाइज काफ़ी अच्छी एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से छोटे बड़े सबको आ जाएगी। तो ये मुझे आइडिया अच्छा लगा कि हर साइज़ वाले इसको कैरी कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लगी मुझे, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो इसके साथ आप ज़रूर जा सकते हैं। वो दोनों बेल्ट अगर आपको लेनी है तो जो एम साइज़ वाले हैं वो ले लो भाई, जिनका साइज़ एल है एक्सएल है वो ध्यान से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि मुझे फिट नहीं आई। हो, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में मैंने लिए थे टॉप, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ टॉप कैसे आए। टॉप आए बहुत ही अच्छे। तो फर्स्ट वन है ये कलर, ये है मस्टर्ड कलर। टॉप का साइज़ खुद ही देख लो भाई, डबल एक्सल है, डबल एक्सल लिए हैं, पर मुझे थोड़े से डबल एक्सल लूज़ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक्सल मंगाती तो मुझे ज़्यादा अच्छे से फिट होता, डबल एक्सल मुझे लूज़ फिट हो रहा है। खुशी हो रही है मुझे डबल एक्सल भी लूज़ फिट हो रहा है। तो ये देखो आप, ये थोड़ा सा लूज़ मुझे लगा, बाकी टॉप एक नंबर। ये देखो आप, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टॉप है एंड आई रियली लाइक द कलर एंड स्लीव्स। लुक एट द स्लीव्स, कितनी पफी सी, कितनी प्यारी सी स्लीव है ना। अच्छा, स्लीव्स अगर अच्छी होती है ना, और फ्रंट पे थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ यू नो डिज़ाइन सा दे दिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन भी कुछ नहीं, बस ये जो इनका जो इन्होंने गला दिया ना, उसका शेप इन्होंने काफ़ी अच्छा दे दिया है। प्लस यहाँ पे ये थोड़ी सी पफी सी स्लीव है और हल्का सा नीचे फ्रॉक वाला इफेक्ट है, जो उसको काफ़ी सुंदर बना रहा है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आजकल पिंक कलर मुझे को ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, वैसे पहले मुझे पिंक कलर इतना पसंद था नहीं। आई रियली लाइक ब्लू कलर, तो मेरा फेवरेट हमेशा से रॉयल ब्लू काइंड ऑफ कलर रहा है।
बट यहाँ पर जो पिंक कलर का टॉप था ना, आई सरप्राइज्ड गाइस कि मीशो से और इतना अच्छा टॉप कैसे। ये देखो इसका भी साइज ना सेम है, ये भी डबल एक्सल है, पर ये वाला फिट है मुझे, ये डबल एक्सल है बट फिट है, फिट ही आया है ये मुझे, ये देख सकते हैं ऐसे। इसकी शेप थोड़ी सी मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कैसी है, इसमें ये जो स्लीव्स दे रखी है ना, आपको दिख रहा है स्लीव्स, ओवर पफ्ड है, ऐसे ऐसे फूल जाएंगी मुझे लग रहा है पहनने के बाद। मैंने भी ट्राई नहीं किया, मैं आराम से ट्राई करूँगी। नेक्स्ट ये है एक वन पीस, वन पीस क्या है, ये गाउन काइंड ऑफ है, तो ये देख सकते हैं मिडी गाउन, यू कैन से एनी थिंग, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो बोल लो। साइज लेट मी चेक द साइज, कहाँ गया, हाँ 46 है इसका नंबर, ये देखो ये कुछ इस तरीके से आई है, काफ़ी देखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही है बट नो इशू, क्योंकि हम इसमें बांध लेंगे बेल्ट और हम इसको कर लेंगे साइज का, क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा लूज है, बट मेरे को हाइट में यू नो लेंथ में चाहिए थी, अगर मैं इसमें छोटा नंबर लेती तो फिर लेंथ में मुझे फिट नहीं आता, और क्योंकि मेरी हाइट है 5'5" तो मुझे थोड़े से लंबे ड्रेस अच्छे लगते हैं जो मेरी हाइट पर जाएँ, क्योंकि अगर किसी की शॉर्ट हाइट है तो वो अपने हिसाब से अपने साइज़ का लेगा तो उसको अच्छे से फिट आएगा, बट मुझे हाइट का इशू है इसीलिए वजह से मैंने ये कुछ इस तरीके से ली है। एंड गुड थिंग इज़ कि इसमें ये स्ट्रिप दे रखे हैं, इनको बांध के आप एडजस्ट कर लोगे ना तो साइज़ एकदम फिटिंग का लगने लगेगा। प्लस आपके पास अगर कोई इस तरीके से ब्यूटीफुल बेल्ट है द डिफरेंट कलर की, ये तो नहीं जाएगी, तो आप वो ज़रूर इसके साथ अटैच कर सकते हो, जैसे कि ये। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस ड्रेस के साथ इसको पेयर कर लूँगी, बट अभी साइज़ का इशू है, लेट्स सी क्या होता है। मैं ओके, सो दिस इज़ नेक्स्ट वन, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गाइस, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ सर्च कर रही थी, मेरे पास इतने सारे बैंगल्स हैं बट मेरे पास बैंगल रखने के लिए कोई बैंगल बॉक्स इतना अच्छा था नहीं जो मैं डेली में यूज़ कर सकूँ। मेरे पास बैंगल बॉक्स हैं जो मेरे पेज आर्किलेक्स पर भी मिलते हैं, बट वो ट्रेडिशनल और काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, और तो वो मैंने कुछ अपने कीमती सामान के लिए रखे हैं, लेकिन रफ एंड टफ़ के लिए मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल नहीं था। तो मैंने फिर ये देखा मीशो पे और मुझे लगा कि यार इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। ठीक है, तो ये मुझे दो बॉक्स मिले हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, मैं ये इसमें लगाने के लिए दे रखा है कि हम इसमें इस तरीके से इनको यहाँ पे लगा देंगे, ताकि जो भी आपकी बैंगल्स वगैरह हैं ना वो आप इसमें अच्छे से एडजस्ट कर लो। ये देखो आप लग गया, इस तरीके से हम इन चारों को इसमें फिट कर देंगे ताकि वो एक अच्छे से ना परफेक्टली पैर हो जाए। ये देखो दिस इज सेकेंड वन, बैंगल अच्छे से आ जाएंगे। तो ये मुझे दोनों ही बॉक्स, ये देख सकते हैं दोनों बॉक्स मुझे कितने के पड़े, आई गेस ये मुझे 350 के आसपास के दोनों बॉक्स मिले थे, तो आई एम इम्प्रेस्ड यार, 350 रुपये में दोनों बॉक्स बैंगल बॉक्स मिल गए, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये वाला जो मैंने बॉक्स आपको दिखाया ना, इसमें आप इस तरीके से आया है ये। मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ना पहले रख दिया है इसमें चेक करने के लिए कि सही से फिट हो रहा है या नहीं। इसमें ये सेक्शंस है ना, ये देख सकते हैं आप, ये रिमूवेबल हैं, ऐसे आप इन सेक्शंस को ऐसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो। देखो आप ये रिमूव कर दोगे ना, ये देखो सारे आउट हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं इस तरीके से, और अपने अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर लगा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल क्रिएटिव गरिमा को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।